बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो एवरीवन, मैं अर्पिता तिवारी बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम 2020 अटेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। इसका उत्तर होगा सारनाथ। दूसरा क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था। इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसिप। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है। इसका आंसर होगा ऋषभदेव। तो यहाँ पे पहले 23वें और 24वें तीर्थंकर जो भी रहे जैन धर्म के, इनके बारे में हमें डिटेल नॉलेज रखनी है। और आज तक जो भी एग्जाम हुए हैं हिस्ट्री के या कोई भी एग्जाम, उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसलिए इस टॉपिक को स्किप करने का सोचिएगा भी मत, इसको करके जाना है। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंगम। हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है, आगरा शहर का संस्थापक था। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। हमारा आज का छठवां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब होता है दूसरा अलेक्जेंडर। हमारा सातवां क्वेश्चन है, जौनपुर के अटाला मस्जिद को किसने बनवाया। तो जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था, जो कि 1408 में कराया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है याद रखने वाली ये है कि ये जो मस्जिद था ये एक आइडियल बन गया था बाकी सारी मस्जिदों के कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके निर्माण के लिए एक आइडियल मस्जिद के रूप में कार्य किया। हमारा आज का आठवां क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। तो उसका उत्तर होगा 1527। तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और राणा शंगा के बीच लड़ा गया था। ये जो युद्ध है ये बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था उसके बाद लड़ा गया था। हमारा आज का नौवां क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था। तो शेर शाह सूरी का मूल नाम है फरीद। हमारा आज का दसवां क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। ग्यारहवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकबर के दरबार में आया था। अकबर के दरबार में आया था रॉल्फ फिच। तो और भी जो भी सम्राट हुए मुगल सम्राट, उनके दरबार में कौन कौन आया था वो भी नॉलेज आपको रखनी है। हमारा आज का बारहवां क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने जारी किया। तो रुपया, चांदी का जो एक सिक्का था जिसका नाम दिया गया था रुपया, ये सर्वप्रथम शेर शाह जो कि एक अफगान शासक था उसने जारी किया था। हमारा आज का तेरहवां क्वेश्चन है, किस सिख ने गुरुमुखी लिपि शुरू किया था। तो गुरु अंगद जो सिख के दूसरे गुरु थे उन्होंने गुरुमुखी लिपि आरंभ की थी। हमारा आज का चौदहवां क्वेश्चन है, रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है। तो रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, जिसका मतलब होता है बुक ऑफ वॉर, मतलब कि युद्धों की किताब। हमारा आज का पंद्रहवां क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। तो अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में। पहले इसका नाम अमृत सरोवर था लेकिन बाद में इसको चेंज करके अमृतसर कर दिया गया। हमारा आज का सोलहवां क्वेश्चन है कि मानव समाज के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा सर्वप्रथम किसने दिया। तो नारायण गुरु ने ये नारा दिया था। हमारा आज का सत्रहवां क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने 1873 में पुणे महाराष्ट्र में। और इसका मिशन क्या था, मतलब इस सत्यशोधक समाज की स्थापना क्यों की गई थी। तो इसका उद्देश्य था कि जो भी पिछड़ी जाति के लोग, जो भी महिलाएँ हैं, उनमें एजुकेशन और सोशल राइट्स को बढ़ावा देने के लिए। हमारा आज का 18वां क्वेश्चन है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। 2018 और 2019 दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग एक बार जाके देखिएगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए इन 50 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा आज का 19वां क्वेश्चन है, तिलक ने गणपति उत्सव कब आरंभ किया था। तिलक ने गणपति उत्सव कब आरंभ किया था, 1893 में। तो 1893 में, अब यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आता है कि गणपति उत्सव क्यों आरंभ किया गया। तो इसका मतलब ये इसलिए किया गया क्योंकि सांस्कृतिक चेतना जगाया इस उत्सव ने लोगों में,
और लोगों को एकजुट किया है इस उत्सव ने। हमारा आज का 20वां क्वेश्चन है, किस यूरोपीय राजा को द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस हेनरी। हमारा आज का 21वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 1945 को। हमारा आज का 22 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के दौरान रूस में बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किसने किया? तो आपको मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अभी आपके पास जो भी 3 से 4 दिन बचे हुए हैं उसमें आपको रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, पुनर्जागरण, इन सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व का जो इतिहास है, उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा व्लादिमीर लेनिन। और क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि व्लादिमीर लेनिन की लिखी हुई 2 किताबें हैं, पहला द स्टेट एंड रिवोल्यूशन और दूसरा है व्हाट इज़ टू बी डन। तो ये 2 किताबें आप ध्यान रखिएगा, ये लेनिन के द्वारा लिखी गई थी। हमारा आज का 23वां क्वेश्चन है, प्रथम बाल्कन युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो प्रथम बाल्कन युद्ध हुआ था 1912 में और 1913 में ख़त्म हुआ, जो कि लगभग 1 साल तक चला था। हमारा आज का 24वां क्वेश्चन है, रूस के इतिहास में किस जार को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर द्वितीय, क्योंकि इसने सर्फडम को ख़त्म किया था, मतलब जो दास प्रथा थी उसको ख़त्म करा था, इसलिए इसको मुक्तिदाता जार के नाम से जाना जाता है। हमारा आज का 25वां क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो नौजवान भारत सभा जो थी उसके संस्थापक थे भगत सिंह, जिसकी स्थापना उन्होंने 1928 में की थी। हमारा आज का 26वां क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन था? डिवाइन कॉमेडी के लेखक थे दांते। हमारा आज का 27वां क्वेश्चन है, इटली के किस नगर से पुनर्जागरण आरंभ हुआ? तो पुनर्जागरण, देखिए पुनर्जागरण से यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया, तो पुनर्जागरण का आरंभ इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन थे? तो इस किताब के लेखक थे मैकियावेली। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि किताबें और उनके लेखक, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है किसी भी एग्जाम के लिए और मेनली BHU के लिए। कोई भी इम्पॉर्टेंट किताब है और उसके लेखक, ये आप कर लीजिएगा, अभी थोड़ी 10 मिनट का काम है, नोट कीजिएगा कहीं से भी, या फिर BHU कॉन्सेप्ट पे आपको कहीं मिल जाएगा ये, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो ये थे मार्टिन लूथर किंग। हमारा आज का 30वां क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध सम्राट ने कहा मैं ही राजी हूँ, आई एम द स्टेट? तो इसका आंसर होगा लुई 14वां। हमारा आज का 31 नंबर क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशंस के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछ रखा है, तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा रूशो। तो यहाँ पर आपने देखा कि इतनी देर में ही 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं वो किताबों पे आ गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको इसको स्किप करके नहीं जाना है। हमारा आज का 33 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध में नेपोलियन अंतिम रूप से हार गया? तो जो वाटरलू था, बैटल ऑफ वाटरलू, उसमें जो नेपोलियन था वो अंतिम रूप से हार गया था। हमारा आज अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल, तो इसको भी आप याद रखिएगा, दास कैपिटल किसने लिखी थी? तो कार्ल मार्क्स। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका उत्तर होगा महावीर स्वामी। मैंने जब उधर डिस्कस किया तो आपको बताया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे आपने फिर देखा, फिर से क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य जिसमें बौद्ध की विभिन्न जन्म कथाओं का उल्लेख है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं जातकाज, जातक। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, विनय पिटका, सुत्ता पिटका और अभिधम्म पिटका, इन तीनों के बारे में भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसका उत्तर होगा बृहद्रथ। कई बार आप लोगों को सीक्वेंस में लगाने को दे देता है कि पहला शासक कौन था, उसके बाद कौन आया, तो आपको मौर्य राजवंश पढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक और अंतिम कौन था, बृहद्रथ। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी वहाँ की राजभाषा। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया था? तो तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। ये 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था और इसको बलबन ने ख़त्म किया था। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि किसने गठन किया था, मे बी जब आप एग्जाम देने जाओ तो पूछ देगी इसको ख़त्म किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि इसको ख़त्म बलबन ने किया था। हमारा आज का 41वां क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक कौन थे? तो शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी।
हमारा 42nd नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली अभी बहुत दूर है किसने कहा था? ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। दिल्ली अभी बहुत दूर एक तरीके का फ्रेज है जिसका मतलब दिल्ली से नहीं, इसका मतलब है मंजिल से, कि मंजिल अभी बहुत दूर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी हम्पी। अगला 44th नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर फिर से कब लागू किया गया? तो ये लागू किया था 1679 में। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि पूछ रहा है कि पुनः कब लागू किया, फिर से कब लागू किया, यानी कि इससे पहले भी कोई लगाया होगा। तो आपको याद रखना है कि जजिया कर सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था और उसको 1546 में अकबर ने एबॉलिश किया, अकबर ने ख़त्म किया, लेकिन फिर से 1679 में औरंगजेब ने लागू कर दिया। जजिया कर एक तरीके का टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, जो कि मुस्लिम्स नहीं थे लाइक हिंदू और अदर रिलीजन के थे उनसे लिया जाता था। हमारा 45th नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में किस सिख गुरु की हत्या हुई थी? तो इसका उत्तर होगा गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगलों के काल में किन किन सिख गुरुओं की हत्या हुई थी? तो आपको याद रखना है कि दो सिख गुरु की हत्या की गई थी मुगल्स के द्वारा। पहले जो थे वो थे गुरु अर्जुन देव और दूसरे गुरु तेग बहादुर। अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की थी और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। और भी अकबर का मकबरा आप देख लीजिएगा जो कि सिकंदरा में है, और शेर शाह का मकबरा जो कि कई बार पूछ चुका है सासाराम बिहार में है, इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? ये हुई थी 13th अप्रैल 1919 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जहाँ कांग्रेस की बात आई तो आपको याद रखना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, प्रथम नॉन इंडियन अध्यक्ष कौन था इसका, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इससे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। कौन से में महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? तो सीमा का सीमांकन जो था वो सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, जिसको आप अभी ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रेडक्लिफ। लेकिन ये जो सीमांकन है किसके द्वारा किया गया था, तो सर साइरिल रेडक्लिफ, इन्हीं के नाम पे उसका नाम पड़ा रेडक्लिफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि 21 मांगे प्रस्तावित किया गया, तो जो 21 मांगे थी वो जापान द्वारा चीन से प्रस्तावित की गई थी। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोग एग्जाम में काफ़ी अच्छा करोगे।